दिल्ली पुलिस ने रॉबरी और स्नैचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपी अंबर जाफरी और मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार किया है। अंबर हत्या सहित कई मामलों में शामिल रहा है। इसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इन दोनों आरोपियों के निशाने पर बैंक से पैसा निकलवाने और जमा करवाने वाले लोग होते थे। लूटपाट के लिए ये चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों लुटेरे मदनपुर खादर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इन्हें धर दबोचा। इन्होंने कबूला कि इन्होंने प्लांड तरीके से इस तरह से यूपी से आते थे और यहां पर या तो व्यापारियों को या जो बैंकों का या जो डिलीवरी बॉय होते थे, जो पैसा लेकर के बैंक में जमा करते थे, उनको ये इन्फॉर्मेशन डेवलप करके उनको टारगेट करके ये लोग रस्ते से लूट करके कैश ले जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक चाकू सहित लूटपाट में इस्तेमाल चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।